हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू कोकण सीरीज। सो फ्रेंड्स, ये सेकंड पार्ट है वेंगुर्ला के पिछले एपिसोड का, जहां पे मैंने आपको कुछ अमेजिंग डेस्टिनेशंस घुमाए होमस्टे में चेक इन करने से पहले। तो अब इस वीडियो में मैं आपको होमस्टे का टूर प्लस वेंगुर्ला में सबसे अच्छा रेस्टोरेंट और साथ ही साथ बाकी के डेस्टिनेशंस भी घुमाने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना। एंड हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा वेंगुर्ला का बजट ट्रिप वाला वीडियो नहीं देखा तो उसको ज़रूर जाके देखना, क्योंकि उस वीडियो के एंड में मैंने इस होमस्टे का कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है। ऑल्सो उस वीडियो में आपको कम्प्लीट वेंगुर्ला ट्रिप इन बजट बताया है। सो उस वीडियो को भी बहुत सारा प्यार देना। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। लाओ इधर लाओ, नीचे लाओ, कुटे ही लाओ। तो फ्रेंड्स, ये होमस्टे में हम लोग रुकने वाले हैं, काना बीच होमस्टे में। आप लोग रूम टूर देता हूँ। लोकेशन गाइस, देख सकते हो आप लोग, बेड एंड बीच, वाव, एकदम सी व्यू। तो ये मिस्टर किर्लोस्कर, हेलो सर। हेलो, तुमच्या इथे टोटल किती रूम आहेत? म्हणजे चार रूम आहेत। चार रूम आहेत, एक एसी आहे, तीन नॉन एसी आहे। अच्छा, एक एसी आणि तीन नॉन एसी। आणि हे होमस्टे तुम्ही कधी स्टार्ट केलं? आता दीड दोन वर्ष झालं। आणि येतात कस्टमर? असतात, मध्ये मध्ये असतात, चांगले कस्टमर येतात। चांगलं म्हणजे आता आलेली माणसं, जे कस्टमर आले खरोखर म्हणजे चांगले आम्हाला मिळालेले आहेत। आणि इथून जे जातात आमच्याकडनं, आता कोणी गेला तर परत ज्यावेळी यायचं असेल तर आणि सीजन आणि ऑफ सीजनचे रेट काय असतात तुमच्याकडे? आमच्याकडे सीजनला 1500 रुपये असतो एसी, 2000 म्हणजे 2200 पर्यंत आम्ही देतो। ओके, असं सीजन जेव्हा स्लॅग असतो त्यावेळी 1200-1300 आम्ही देतो नॉन एसी। आणि एसीचे तेवढे बरं, एसीची गरज पण नाही। जर तुम्ही बघाल तर चांगला बीच आहे समोरच, आपण देख सकते सामनेही बीच आहे। और ये बालकनी, बालकनी पण खूप मोठी आहे ऍक्च्युअली। अगर आपण आगे देखो ये बालकनी, और यहाँ पे अच्छा सा बेड है, मस्त फैन है, एसी की जरूरत ही नहीं आप लोगों को। यहाँ पे सब सामान वगैरह रख सकते हो एंड ड्रेसिंग टेबल भी है। वाह यार, मेरे को तो ये व्यू बहुत अच्छा लगा। और देखो लाइट चालू करके भी मस्त दिखता है। और बाथरूम में पानी है ना 24 तास? ओके, बरे शावर पण है, गीजर पण है, गरम ठंडा दोनों पानी है, अच्छा है। तो चलिए अभी हम लोग सीधा फ्रेश होके मिलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। वाह यार, यहाँ से मैं जंप मार के भी आराम से सीढ़ी से डायरेक्ट बीच एक्सेस कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पहुँचने से पहले थोड़ा नहा धो के फ्रेश होते पेट पूजा करते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो एसी रूम्स है वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। जो नॉन एसी है ना वो ऐसा सी फेसिंग है, और मेरे को तो ज़रा भी गर्मी नहीं लग रही है। कितना बज रहा है? ऑलमोस्ट बाप रे 12:30 बज रहे, फिर भी गर्मी नहीं लग रही मेरे को। वाह यार, समुद्र का आवाज़ सुन रहे हो आप लोग, सुपर। तो अभी मैं आप लोगों को एसी वाला रूम भी दिखा देता हूँ, फिर हम लोग नहा धो के फ्रेश होते और फिर निकलते हम लोग खाना खाने के लिए, और फिर जाएंगे हम लोग डेस्टिनेशंस कंटिन्यू करने के लिए। तो ये है इनका एसी रूम। सही है, फैन भी है साथ में और टॉयलेट बाथरूम भी है। सही है, बेड भी काफी बड़ा है। One hour later. तो फ्रेंड्स, नहा धो के रेडी हो गया और एकदम फ्रेश हो गया हो, अभी हम लोग निकल रहे खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद हम लोग वापस होमस्टे में आने वाले हैं और थोड़ा आराम करेंगे, और उसके बाद हम लोग जाएंगे साइट सीइंग के लिए। एक घंटा आराम बहुत हो जाएगा, फिर हम लोग 3:30-4 बजे तक निकल जाएंगे बाकी की साइट सीइंग कवर करने के लिए, और पूरा वेंगुर्ला घूमने वाले हम लोग। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं होटल नार्वेकर में। मेरे जो होमस्टे के ओनर है उन्होंने मुझे यहाँ पे सजेस्ट किया है,
तो डिनर तो हम लोग वहीं पे करने वाले हैं, लेकिन लंच के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि मैंने लंच का उन लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया था मेरे होमस्टे के ओनर को, इसलिए अभी लंच के लिए हम लोग होटल नार्वेकर में आए। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिलता है, क्या क्या टेस्टी फूड हम लोग मंगाते, फिर आप लोगों को बताता हूँ। बॉम्बे थाली कितनी? 200 फ्रेंड्स, बॉम्बे थाली बड़े बड़े बॉम्बे मिले, और रस्सा है साथ में, और रस्सा है, सोल कड़ी है, सैलड है, और दो रोटी है, और राइस भी देते हैं। अच्छा यार, 200 रुपये। और मैंने मंगाया चिकन थाली विच वॉज फॉर ओनली 150 रुपीज। वाओ, मैं अभी बांगड़ा खा रहा हूँ, बिकॉज अगर मुझे बताओ बांगड़ा का टेस्ट। वाओ यार, फ्रेश है एकदम, फ्रेश है। ओके, तो लंच करके हो गया है, एंड होटल नार्वेकर को मैं दूंगा 5 out of 5 फॉर टेस्ट, क्योंकि टेस्ट बहुत अच्छा था, फिश भी बहुत फ्रेश थी, चिकन भी बहुत सही था। सर्विसिंग थोड़ा लो था, क्योंकि हम लोग आने के बाद बहुत सारी पब्लिक आ गई थी, तो सर्विसिंग इन लोगों का बहुत स्लो हो गया था, बट ठीक है, सर्विसिंग के लिए 3 out of 5। टेस्ट के लिए मैंने बताया 5 out of 5, और एम्बियंस वाइज भी ओके था, कुछ ऐसा गर्मी नहीं लग रही थी, एसी नहीं था फिर भी गर्मी नहीं लग रही थी, बट मज़ा आया। तो एम्बियंस के लिए मैं दूंगा 4 out of 5। मैंने यहाँ के लोगों से भी पूछा, तो अगर आप लोगों को कोई और रेस्टोरेंट ट्राई करना है तो स्क्रीन पे जो 2 रेस्टोरेंट्स हैं आप लोग वहाँ पे भी जा सकते हो, लेकिन ये मैं हाईली रिकमेंड करूँगा फॉर टेस्ट, और सस्ता भी है, क्योंकि चिकन थाली के मेरे सिर्फ हुए 150 रुपये, और मेरी वाइफ के जो फिश थाली के थे वो हुए 200 रुपये। तो अच्छा है यार, 350 रुपये में और क्या चाहिए। तो अभी चलते रूम में आराम करते, फिर शाम को हम लोग निकलेंगे साइट सीइंग के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी रूम में पहुँच चुका और आराम कर रहा हूँ, और तब तक आप लोगों को सामने का व्यू दिखाता हूँ बेड पे से। वाव यार, आराम से आप लोग मस्त लेटे 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 व्यू देख सकते हो, सही है यार। शिप भी देख सकते हो आप लोग यहाँ से, सही है यार, मज़ा ही आ गया, पैसा वसूल हो गया ट्रिप इधर ही। अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, चलो मिलते हैं अब सीधा नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। टड़ा, वी आर रेडी, और अच्छी खासी नींद भी हुई है, शाम के 5 बजे, अभी निकलते सीधा हम लोग फटफट 6th destination पे। तो फ्रेंड्स, पहुंच चुके हम लोग के 6th destination पे, दैट इज सागरेश्वर बीच। वाव यार, शाम के 5:09 हो रहे, और मेरे बीच से बहुत नज़दीक है, कुछ 5 मिनट है बाइक पे, थोड़ा आपको चलना पड़ेगा गाइस, यहाँ से एंट्री है और यहाँ तक पूरा चलना पड़ेगा, लेकिन सही है, वर्थ है, मैं तो बोल रहा हूँ। मैं तो आप लोग से बात करते करते चल रहा हूँ, पता भी नहीं चल रहा है। ओहो हो, पीछे का नज़ारा दिखा दो। क्लीन है यार पानी एकदम, वाओ। यार इस बीच को तो पूरा दिन बिताया जा सकता है, अलग ही एपिसोड बन सकता है, यहाँ पे पूरा दिन आराम कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर करके चलते हैं अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग पहुँच चुके हैं हम लोग के 7th destination पे, जो कि है सागरेश्वर टेम्पल। दर्शन करने के बाद हम लोग निकल गए एक अमेजिंग बीच पे। तो फ्रेंड्स, पहुंच चुके हम लोग शिरोडा बीच। तो फ्रेंड्स, इस बीच की खास बात है ये वाइट सैंड वाला रिवर बैंक, सच में ये बहुत अमेजिंग दिखता है यहाँ से। तो अभी चलते हैं शिरोडा बीच की तरफ। सैंड बीच है यार, इस बीच का भी पानी बहुत क्लीन है फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो।
आज का जो ये लास्ट डेस्टिनेशन है और महाराष्ट्र का भी ये लास्ट बीच है फ्रेंड्स, रेडी बीच। महाराष्ट्र का फर्स्ट बीच अगर आपको देखना है तो आप लोग मेरे चैनल पे जाओ और मोटी बीच जो है उसका वीडियो जरूर देखना। वो महाराष्ट्र का फर्स्ट बीच है और ये है महाराष्ट्र का लास्ट बीच। देखो यहाँ पे डस्टबिन भी दिया हुआ है, आप लोग अगर वाटर वाटर पी रहे हो तो फिर यहाँ पे फेंक देना, ऐसे बीच पे मत फेंक देना प्लीज, क्योंकि ये गंदा हो जाता है, बीच का सत्यानाश हो जाता है। बाय द वे आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारे रिसॉर्ट्स मिल जाएंगे तो आप लोग यहाँ पे स्टे भी ले सकते हो। सुपर बीच है, सुपर। और आप लोगों को यहाँ का क्लीन पानी दिखाता हूँ, ये देखो कितना क्लीन है, लिटरली मेरे पैर दिख रहे हैं। वाव यार एकदम अमेजिंग बीच है, सुपर। सनसेट यहाँ पे देखने का मज़ा ही कुछ और है, आप लोग यहाँ पे सनसेट के टाइम पे ही आना क्योंकि सनसेट यहाँ से बहुत अमेजिंग दिखता है। दोपहर का टाइम बहुत गर्मी देगा आप लोगों को और जितना गर्मी रहेगा आप लोग बीमार भी पड़ सकते हो, इसलिए 5 बजे के बाद या फिर 4:30 या 4 बजे के बाद ही निकलना रूम से जब भी आप लोग गर्मी के टाइम यहाँ पे घूमने आओ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारे कपल्स प्री वेडिंग और पोस्ट वेडिंग शूट के लिए भी आते हैं। आप लोग देख सकते हो दो समंदर के पानी के बीच में ये रास्ता है, इस तरफ भी पानी है, इस तरफ भी पानी है, अब बस अब यहाँ पे लैंड ख़त्म हो जाएगा। सुपर। ये बीच ज़्यादा डीप नहीं है, आप लोग आराम से जा सकते हो पानी में और इतना डूबने का डर नहीं रहेगा क्योंकि शाम के टाइम पे काफ़ी अच्छा टाइड हो जाता है यहाँ पे। और आप लोग देख सकते हो, देखो मैं भी यहाँ पर हूँ सीधा, सही है, घुटने तक भी पानी नहीं यहाँ पे, देखो वाह यार। आप लोग और जाना है आप लोग उस तरफ भी जा सकते हो, ये बोट, वाह, सनसेट, लाइफ सेट, सही ना। इस तरफ से भी आ रही है, इस तरफ से भी आ रही है, यहाँ भी जा रही है, स्ट्रेट भी आ रही है, इस तरफ भी आ रही है, एक दूसरे से टकरा रही है लहरें, वाव मज़ा आ रहा है यार। रेडी बीच तो आपको आना ही है एनी हाउ, आप लोग अगर रेडी बीच नहीं आओगे तो आपका ट्रिप अधूरा रह जाएगा। इवन जो फर्स्ट डेस्टिनेशन मैंने बताया था निम्की फोर्ट, वो भी बहुत सही था और पैसा वसूल डेस्टिनेशन है वो, फ्री एंट्री, यहाँ पे भी फ्री एंट्री है, फ्री पार्किंग है। आप लोगों का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये दो डेस्टिनेशन तो गारंटी कवर करना जब भी वेंगुर्ला आओ या मालवन साइड आओ तो। और रेडी बीच तो जैसा मैंने बताया बहुत ही ब्यूटीफुल है, एकदम हाईलाइट है ये पूरे टूर का। अभी थोड़ी देर यहाँ पे रिलैक्स करते हैं, फिर अंधेरा होने पे हम लोग निकलेंगे हम लोग के होमस्टे की तरफ। सनसेट के बाद काफी लोग ये बोट की वीडियो निकाल रहे थे, जैसा आप लोग देख रहे हो ये बोट बहुत ही अमेजिंग लग रही थी यहाँ से, और यहाँ पे काफी लोग इस बोट की वीडियो ले रहे थे। सच में यहाँ पे हम लोग ने बहुत एंजॉय किया। वेंगुर्ला में सिर्फ 2 बियर शॉप्स है, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो वेंगुर्ला कैंटीन से मैंने मंगाया चिकन ट्रिपल राइस, उस साइड ग्रेवी भी रखी है और यहाँ पे वो लोग ने ऑमलेट भी दिया है, साथ में मैंने चिकन लॉलीपॉप भी लिया है, एक तो खा लिया मैंने और ये सेफ। और मेरी वाइफ ने मंगाया प्रॉन्स थाली काना होमस्टे से, वाह यार काफ़ी चीज़ें आई है इसमें, फ्रेश प्रॉन्स है, ग्रेवी है, जवड़ा है, सोल कड़ी है, चपाती है, राइस है और प्रॉन्स भी आप लोग देख सकते हो, प्रॉन्स की क्वालिटी देख सकते हो यार, मस्त बड़े बड़े। तो चलिए अभी डिनर करते हैं और फिर सो जाते हैं। बाय द वे ये वेंगुर्ला का बस स्टैंड है, जब भी आप लोग कुड़ाल बस स्टैंड से आओगे तो आप लोगों को वो बस वेंगुर्ला बस स्टैंड पे छोड़ेगी और बस स्टैंड के सामने ही आप लोगों को मिलेगा ये नाश्ते का दुकान जहाँ पे मैं अभी वड़ा पाव खाने वाला हूँ।
मस्त पेगी, क्योंकि अपने को जाना है अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे। तो ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन था आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोग कुड़ाल से आओगे यहाँ पे तो ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगा। गरम गरम वड़ा पाव नियर वेंगुर्ला बस स्टैंड, सही ना? वाव, सुपर मस्ट है। तो वहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है शिवशाही की बस है, डायरेक्ट पुण्याला जाते ना, पुण्याला जाते ही बस डायरेक्ट वेंगुर्ला वरुण पुण्याला। अरे वाह, अच्छा। आणि ते कुडाळला जायसाठी एक एक तासाने आहे ना? एक एक तासाने ते गाडी आहे तो। अच्छा अच्छा, बरं आहे मग। तो जिन लोगों भी बस से आना है ना तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आ सकते हैं यहाँ पे। बस खाली स्कूटी रहेगी तो घूमने में अच्छा पड़ जाता है, बट हाँ बस से आने वालों के लिए भी ऑप्शन अच्छा खासा अवेलेबल है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स पहुंच चुके हैं हम लोग के फाइनल डेस्टिनेशन पे, 11 डेस्टिनेशन ऑफ वेंगुर्ला, जो कि इस सीरीज का लास्ट डेस्टिनेशन है, वो है ये वेंगुर्ला का वेंगुर्ला बंदर ब्रिज, जिसे झूलता पुल भी कहते हैं। अमेजिंग है, शाम पानी में सबसे बेस्ट जगह। हमने तो जस्ट अभी नाश्ता किया और अभी धूप भी नहीं है ज्यादा। तो फ्रेंड्स आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और वेंगुर्ला ट्रिप को बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन, लव यू ऑल।